आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हियर द क्वेश्चन इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई रिफर्स टू ऑप्शंस आर गिवन करेंसी एंड कॉइंस हेल्ड बाय द पब्लिक, करेंसी कैश रिजर्व्स विद बैंक्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद बैंक्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, मनी सप्लाई किसको रिफर करती है। तो जो मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई, इसको हम फाइव इंडिकेटर से मेजर करते हैं। कौन कौन सा, M1, M2, M3, M4। तो ये क्या है, फाइव इसके क्या है इंडिकेटर हैं जिससे मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। और मनी सप्लाई होता क्या है, बेसिकली किसी भी टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर उस इकोनॉमी में कितना मनी है वो हम मेजर करते हैं। तो इसके जो फाइव कंपोनेंट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, तो ये जो एम नॉट होता है, ये क्या होता है, रिजर्व मनी या फिर हाई पावर्ड मनी। क्या होता है ये, रिजर्व मनी। M1, M2 क्या होता है, M1, M2 होता है नैरो मनी, और M3, M4 क्या होता है, ब्रॉड मनी। तो जो एम नॉट होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI एंड अदर डिपॉजिट। एम नॉट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI प्लस अदर डिपॉजिट। M1 के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट इन करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है, M2 के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, M2 के होते हैं M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ सेविंग अकाउंट, M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ सेविंग अकाउंट। M3 के क्या क्या होते हैं, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, और M4 के क्या क्या होते हैं, M3 प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ सेविंग अकाउंट प्लस टाइम डिपॉजिट, M3 प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ सेविंग अकाउंट प्लस टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शंस में, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, मतलब कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन CU, तो ये भी रिफर है मनी सप्लाई में, रिफर करता है, पॉइंट्स है हमारा। ठीक है, करेंसी कैश रिजर्व विथ बैंक्स एंड डिमांड डिपॉजिट, तो ये भी है हमारा पॉइंट, हम देखेंगे डिमांड डिपॉजिट है ना, और क्या था, कैश रिजर्व भी है, मतलब कि करंट अकाउंट्स वगैरह। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व विथ बैंक, ये भी है हमारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज जो सारे इसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिफर करते हैं जो मनी सप्लाई होता है उसको मेजर करने में। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।